एक माइनिंग फील्ड में जो कि अफ्रीका में था, वहां पर एक मजदूर को एक अंगूठे के बराबर का एक हीरा मिलता है जो कि एक पिंक डायमंड होता है। वो चारों ओर ध्यान से देखता है क्योंकि उसको वो अरबों रुपए का हीरा खुद के लिए चाहिए होता है। उसको बहुत ध्यान से ये सब करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े दिन पहले ही एक मजदूर को हीरा छुपाने के लिए जान से मार दिया था। जब वो इसी के बारे में सोच रहा होता है तो सडनली वहीं पर एक पंप खराब हो जाता है। सारे गार्ड्स का टेंशन उसी की तरफ चले जाता है। इस चीज का फायदा उठाते वो उस हीरे को अपने पैर के अंगूठे के बीच में दबा लेता है और फिर वो परमिशन मांगता है गार्ड से कि उसको पेशाब के लिए जाना है। फिर जब वो कोने में झाड़ी में आता है तो वहां पर वो अपने अंगूठों से उस हीरे को निकाल के देखता है। उसी टाइम पर उसके पीछे से कोई बंदूक टांग के खड़ा था। उन गार्ड में से एक बंदा इसकी इस ट्रिक को पहचान लेता है और उसका पीछा करते यहाँ पर आ जाता है। मगर उसी टाइम पर वहाँ पर गवर्नमेंट से भेजे हुए सिपाही आ जाते हैं और वो एक ग्रेनेड फेंकते हैं जिसकी वजह से दोनों ग्राउंड पे गिर जाते हैं। यह आदमी एकदम से भागने लगता है और उस हीरे को एक सूखे पेड़ के नीचे दबा देता है जब यहाँ पर कोई भी नहीं होता। और फिर वो उन सिपाहियों के जरिए पकड़ा जाता है जहाँ पर इन सभी को एक जगह पे ले जाते हैं और यहाँ पर मजदूर सोचता है कि वो एक दिन वापस आके उस हीरे को निकाल लेगा। कुछ टाइम पहले ही इसके विलेज में कुछ गुंडे आ गए थे और ये अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है। अगर उसको वो हीरा मिल जाता है तो ये अपनी फैमिली को ढूंढ सकता है इससे मिले पैसे से। ये एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है ब्लड डायमंड।